على أبصارهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. Today we are here with a very special topic, that is correcting social anxiety using cognitive behavioral therapy, with a very special guest speaker. He is Professor Bashir Ahmed, head of department at Gabor Medical College. He is also director of CBT and he is a professor of psychiatry. The professor. Thank you very much. Iqbal sir, shall I start? Yes, you can. Professor, okay, thank you very much. So thank you very much for inviting me for this presentation today. I'm going to be within the time allocated to me, although this topic, as you can see, is a vast topic, and ideally it cannot be covered in 1 hour, but even then I have tried my best to fit in within the allocated time and still make it very, very useful for all of us. Who would be changing the slides? All right, thank you. So first of all, I would like to give a brief outline of this presentation. Today we will cover what is social anxiety. We try to understand social anxiety in CBT terms, and then we'll discuss cognitive model of social anxiety. Kyunki jab tak hame pata nahi chalega ki social anxiety hai kya cheez in cognitive terms, और मॉडल कौन सा हम अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट. तो ये मॉडल को अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे, इस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे. और फिर क्या तरीके हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, सीबीटी टेक्निक्स कौन कौन से हैं विच वी कैन यूज टू टैकल दीज सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया. तो बेसिकली दो टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सपोजर टेक्निक्स. तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों को टच करें, लेकिन अगर टाइम की हमें किल्लत हुई तो वी वुड जस्ट फोकस ऑन वन टेक्निक. अच्छा, सबसे पहले सोशल एंजाइटी है क्या चीज. इट्स अ डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंस एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ बीइंग नेगेटिवली जज्ड बाय अदर्स. हर वक्त ये खौफ और ख़तरा रहता है कि दूसरे लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं और वो मुझे नेगेटिवली जज कर रहे हैं. ये एक ख़तरा, ये खौफ हर वक़्त ये मरीज़ के अंदर रहता है, क्योंकि उसका ख्याल है कि अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे वो सोशल गैदरिंग में गया है तो उसका ख्याल है, या कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका ख्याल है दैट ये पता नहीं कोई अनअप्रोप्रिएटली एक्ट कर लेगा. और यह जो इसके जो एंजाइटी की जो सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल स्वेटिंग है, पल्पिटेशंस है, ट्रिमर्स है, दीज वुड बी ऑब्वियस टू अदर पीपल. वो लोग देख लेंगे कि मुझे तो कपकपाहट हो रही है, मुझे तो ड्राई माउथ हो रहा है, मुझे तो स्वेटिंग हो रही है, दे वुड नोटिस मी एंड thus it leads to further embarrassment and critical appraisal. कि पता नहीं वो मेरे बारे में फिर क्या सोचेंगे, कि मैं लोगों के साथ बात नहीं कर सकता, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, या मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता. तो हर वक्त उसके जहन में ये खौफ, ये ख़तरा और ये एक फियर या फोबिया रहता है कि लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे जज कर रहे हैं और नेगेटिवली जज कर रहे हैं. ठीक, ये समझ आ रही है बातों की. तो फिर वो क्या करते है? नहीं, एक मिनट, जल्दी जल्दी ना चेंज करें स्लाइड. हम कोशिश करेंगे कि समझ लें चीजों को.
तो अगर किसी का ये ख्याल है कि लोग मुझे नेगेटिवली जज कर रहे हैं, अगर मैं किसी सिचुएशन में एंटर होता हूँ, कहीं पे जाता हूँ या कोई प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और वो लोग मुझे देख रहे हैं, वो मेरी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उनको नोटिस कर रहे हैं कि मैं ब्लश हो रहा हूँ, मुझे पल्पिटेशन हो रही है, मुझे ट्रेमर हो रहे हैं, तो वो क्या करता है? वो ही वुड टेंड टू अवॉइड द सिचुएशन, वो जाएगा ही नहीं। और अगर मजबूरन चला भी जाए तो इमेजिन कि किसी को ये खतरा हो, किसी को ये फियर हो कि लोग मुझे नेगेटिवली जज कर रहे हैं, लेकिन उसको मजबूरन जाना पड़े, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी डिस्ट्रेस में हो जाएगा। वो चला तो जाएगा लेकिन ही विल फेस इट विद ग्रेट ड्यूरेस। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Social anxiety is the most frequently diagnosed anxiety disorder. The typical age of onset is approximately 13-15 years, but it can be diagnosed in young children as young as 8 years of age. Aur iska problem ye hai ki if left untreated, social anxiety disorder has a chronic pattern and this can continue into adult life. Next. Next, please. Ek minute. Social anxiety has many variations. Kuch logon ko problems hoti hai to make one-to-one relationship, intimate relationship. Koi aisa relationship wo bana nahi sakte. Unko problems hoti hai. Wo superficial relationships to bana lete hain, lekin to get into an intimate relationship they find it extremely difficult. Jabki kuch log hote aise hote hain ki unko one to one relationship mein to koi problem nahi, lekin they cannot meet new people or ya koi larger group mein jab wo jate hain to they feel highly uncomfortable. Or as you know, this social anxiety or social phobia can be very specific to certain situations. बाज लोग इवन दे बिकम वेरी वेरी अनकंफर्टेबल जब वो व्हेन दे आर ईटिंग और राइटिंग इन पब्लिक और इट कैन बी जनरलाइज्ड। नेक्स्ट, एटियोलॉजी वेरी ब्रीफली, अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक जो कंपोनेंट है तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर्स के, उनके अलावा ऐसे मरीज यूजुअली देखने में आया है कि इनके साथ किसी ने किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है, where they have been criticized, bullied, or treated as if they were different or odd at some stage. कहीं ना कहीं पे स्कूल में, घर के अंदर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फ्रेंड्स के साथ, कहीं ना कहीं पे उनके साथ एक ऐसा कोई वाक्य हुआ होता है कि जहाँ पे उनको they have felt very very uncomfortable because of that situation. Aur uska phir masla ye hota hai ki jo current behavior hai unka, this seems to be shaped by those experiences and beliefs which were derived from those incidents. Jo psychologist baithe honge unko pata hoga ki jo hamare core beliefs bante hain wo aise nahi bante, they are deeply rooted. अर्ली लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सीबीटी में, बाज लोग कहते हैं कि वी डोंट टॉक अबाउट द पास्ट, वी डू टॉक अबाउट द पास्ट, बट दैट पार्ट ऑफ द पास्ट विच इज स्टिल रेलेवेंट टू द करंट प्रॉब्लम्स। तो हम जाते हैं पास्ट में भी, लेकिन उन इंसिडेंट्स पे या उन इवेंट्स पे या उन एक्सपीरियंसिस पे हम फोकस करते हैं विच वी थिंक इज स्टिल रेलेवेंट टू द करंट प्रॉब्लम। तो ऐसे सोशल एंजाइटी के जो हमारे मरीज होते हैं, उनमें जब हम जाते हैं एंड इन देयर अर्लियर एक्सपीरियंसेस, चाहे वो चाइल्डहुड के हैं, चाहे वो स्कूल लाइफ के हैं, कॉलेज लाइफ के, यूनिवर्सिटी के, तो हमें अंदाजा होता है कि दे हैव कम अक्रॉस सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन इंसिडेंट, सर्टेन इवेंट्स, और यूजुअली अ सीरीज ऑफ इवेंट्स किसी ने किसी फॉर्म में, वेयर दे हैव बीन नेगेटिवली जज्ड और वेयर दे हैव बीन क्रिटिकली एनालाइज्ड। और इसी तरीके से तो दे डेवलप सर्टेन कोर बिलीव्स अबाउट द पीपल, कि द पीपल
are always critical, the people are negative, they don't care, they don't bother, and this life is really difficult for me because this world is a dangerous place. तो वो हर जो जो सिचुएशन है, इवन अगर वो न्यूट्रल सिचुएशन भी है, तो उसको दे परसीव इट एज ए सोशली डेंजरस सिचुएशन. तो ये जो कोर बिलीव्स हमारे होते हैं, ये फिर हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स और वगैरह को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कोर बिलीव देन इन्फ्लुएंस व्हाट इज परसीव्ड एज सोशली डेंजरस, क्योंकि उनका बिलीव, उनका जो कोर बिलीव बना हुआ होता है, जो स्कीमा बना हुआ होता है, वो उनके लिए जो न्यूट्रल इवन स्टिमुलस है उसको भी इंटरप्रेटिंग एज एज ए डेंजरस स्टिमुलस. नेक्स्ट स्लाइड. अब थोड़ा एक मिनट. इस मॉडल को हम समझने की कोशिश करेंगे, इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम गुजारेंगे, और इस मॉडल की हमें समझ आ जाए तो समझ ले कि हमें सोशल एंजाइटी की समझ आ गई है. और सोशल एंजाइटी की समझ आ जाए इस मॉडल के तनाजु में, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मॉडल, तो देन वी वुड बी मोर एबल टू टैकल इट मोर इफेक्टिवली. ये क्लार्क्स एंड वेल्स मॉडल है 1995, एंड आई फील प्रिविलेज्ड के जो क्लार्क, डेविड क्लार्क्स और वेल्स, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ देम इन 2007 while studying in King's College London. So David Clark ka ye jo model hai, this provides very clear basis for understanding the basic mechanics of social anxiety. Aur iske teen components, jaise aapke screen pe display hua, self focused attention. Ye Dr. Iqbal, aisi facility hai ki jahan pe ye students hamare interact kare and they can participate, या मैं बोलता जाऊँ? जी हाँ, ऐसा है. एक तो दो तरीके हैं, एक तो माइक इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा वेव करके अपना वो जो है डिस्क्रिप्शन रिटर्न भी भेज सकते हैं. और अगर कुछ सवाल एड्रेस नहीं होते तो फिर हम आखिर में प्रेजेंटर के पास भेजते हैं और तो वो जवाब देता है बाद में. लेकिन इस दौरान अगर कोई पूछना चाहे तो हमारे यहाँ अभी पूरे स्टूडेंट्स को दिखा देंगे, सारे बैठे हुए, ताकि मेरा कंसर्न ये भी है प्रोफेसर इकबाल के इनको अगरचे मैं आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक, और माशाल्लाह ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज है, साइकोलॉजिस्ट है, तो उनको समझ तो आ रही होगी, लेकिन अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बिफोर आई स्किप अ स्लाइड या मैं ऐसे चला जाऊँ, तो आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड, और जहाँ पे समझना है तो वी कैन डिस्कस एंड क्लेरिफाई थिंग्स फॉर अस. नहीं बिल्कुल, यही हमारा भी मकसद है कि इट शुड बी मोर इनफॉर्मल और फिर ये कि स्किल्ड ओरिएंटेड टॉक होनी चाहिए. तो ये स्किल इसी तरीके से डेवलप होगा कि हमारे दरमियान थोड़ी सी इंटरेक्शन हो और हमें पता चले, या दरमियान में अगर ये बस मुझे कोई ऐसा हिंट मिलता रहे कि दे आर विद मी. खैर कोई सवाल बेशक एंड में रखिए. अच्छा, ये सेल्फ फोकस जो अटेंशन है, दिस इज द मेन इंजन फॉर ड्राइविंग सोशल एंजाइटी. इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़े डिटेल में, लेकिन जैसे वी ऑल नो के पीपल विद सोशल एंजाइटी प्रॉब्लम्स, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेनेवर दे आर इन सोशल सिचुएशन, तो इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द टास्क इन हैंड, व्हाट दे डू कि दे बिकम वेरी वेरी अवेयर ऑफ देयर इंटरनल फिजिकल सिम्टम्स एंड देयर इमोशंस, कि इस वक्त मैं एंशियस हो रहा हूँ, इस वक्त मुझे परेशानी हो रही है, इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ, डिस्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मैं कैसे जाऊँगा इस सिचुएशन में. और अगर उनको जाहिर है वी ऑल हैव सम एंजाइटी सिम्टम्स व्हेन वी प्रेजेंट और वी आर इन अ लार्जर ग्रुप और इन सोशल सिचुएशन, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स सबको होती है, लेकिन वी टेंड टू ओवरकम. इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अगर पैल्पिटेशन हो रही है तो ये देयर अटेंशन स्ट्रेट अवे गोज देयर,
कि इतनी पल्पिटेशन अब मुझे होने लगी है और कहीं फेंट ना हो जाऊं, या आई एम गेटिंग ब्लश्ड, या मुझे ट्रेमर्स हो रही है एंड पीपल आर नोटिसिंग मी. तो इनका सारे का सारा जो अटेंशन है दैट इज इंटरनलाइज्ड, सेल्फ फोकस्ड है. इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि ये सेल्फ फोकस्ड अटेंशन क्या है. और दूसरा जो है सेफ्टी बिहेवियर्स. सेफ्टी बिहेवियर्स ये है कोई ऐसा बिहेवियर जो हम अडॉप्ट करते हैं कि विच वी थिंक इज गोइंग टू मिनिमाइज द डिस्ट्रेस. मेरी जो एंजाइटी है, मेरी जो डिस्ट्रेस है, या जो मेरे जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, जब तक मैं किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले या कहीं भी किसी गैदरिंग में जाने से पहले या कहीं भी नए लोगों से मिलने से पहले, अगर मैं फॉर एग्जांपल अल्प्रजोलाम की गोली ना खाऊं, एंड्राल की गोली ना खाऊं, तो आई वुड बी फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फेस दैट सिचुएशन. तो ये सेफ्टी बिहेवियर है. या अगर प्रेजेंटेशन हो रही है तो व्हाट दे टेंड टू डू कि वो बिकॉज उनका ख्याल होता है कि आई विल बी शेकिंग तो एंड पीपल विल नोटिस, तो ये जाके डाइस पे कोशिश करेंगे कि दे जस्ट पुट देयर आर्म देयर, या अगर कोई ऐसी जगह है कि वे दे कैन पुट देयर फीट, तो दे वुड ट्राई टू हाइड इट. ये सेफ्टी बिहेवियर है बिकॉज दे थिंक दैट इट वुड बी ऑब्वियस टू पीपल, और वो मुझे पे नेगेटिवली जज करेंगे, या दे वुड ट्राई टू अवॉइड आई कॉन्टेक्ट. तो ये सेफ्टी बिहेवियर है. कुछ लोग तो यहाँ तक कि अगर वो टैबलेट खाते नहीं है, लेकिन इवन जस्ट पुटिंग इट इन देयर पॉकेट, ये इसकी भी उनको बड़ी एक रिलीफ उनको मिलती है कि बिकॉज जस्ट इन केस आई नीड इट, तो आई पुट इट इन माई माउथ. तो सिर्फ जेब में है, काई भी नहीं है, लेकिन स्टिल इट हेल्प्स देम. तो ये सेफ्टी बिहेवियर है. और ये सेफ्टी बिहेवियर पे मसला ये है कि दिस इज मेंटेनिंग दैट सोशल एंजाइटी, क्योंकि उनका ख्याल है कि जब तक वो ये तरीका ना अडॉप्ट करे तो उनकी एंजाइटी कम नहीं होगी और ये साथ फिरते रहते हैं. तो फिर इसका नतीजा ये होता है कि ये हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा साथ लेके जाते हैं, या बाहर अगर जाना है तो किसी को साथ लिए बगैर ये बाहर नहीं जा सकते. तो दे बिकम डिपेंडेंट ऑन दीज सेफ्टी बिहेवियर्स, और ये फिर इसी सोशल एंजाइटी को मेंटेन करता है. परसीव्ड सोशल डेंजर. परसीव्ड सोशल डेंजर ये है कि एक न्यूट्रल सिचुएशन है या रिलेटिवली न्यूट्रल सिचुएशन है, कोई अगर कोई स्ट्रेसफुल है भी तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दे परसीव इट एज ए सोशली वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन है या कहीं किसी से मिलना है, तो इसमें तो बज़ाहिर कोई ऐसी कोई ख़तरनाक बात तो नहीं है, लेकिन उनका जो ये जो ऊपर दो कंपोनेंट्स हैं, सेल्फ फोकस अटेंशन, उनका ये ख्याल होता है कि आई विल बी ब्लशिंग, मुझे पल्पिटेशंस होंगी, मुझे ट्रिमर्स होंगी, ड्राई माउथ होगा वगैरह वगैरह, और जब तक मैं ये ना करूं तो ऐसे नहीं होगा, फिर लोग मुझे जज करेंगे. तो वो जो न्यूट्रल सिचुएशन है उसको दे इंटरप्रेटेड एज ए सोशली वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि लोग मुझे जज करेंगे, पता नहीं किस तरह के लोग बैठे होंगे, और वो मुझे मेरे अपेयरेंस पे कमेंट करेंगे, मेरे कॉम्पिटेंस पे कमेंट करेंगे, जिस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ उस पे कमेंट करेंगे. तो उनको वो जो एक न्यूट्रल सिचुएशन है तो दे परसीव इट एज ए वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. तो आप देख रहे हैं ये तीनों कंपोनेंट मिलके फिर इस मरीज का बेचारे का उसकी तो जिंदगी अजीरन हो गई. नेक्स्ट. अब जैसे बात हो गई है सेल्फ फोकस्ड अटेंशन की, दे बिकम सेल्फ कॉन्शियस and being supremely aware of internal sensation and emotion, it further worsens their anxiety. Next.
इसको हमने डिस्कस कर लिया है। सेल्फ फोकस अटेंशन का प्रॉब्लम यह है कि एडवाइस इज और थिंकिंग पैटर्न, जब हमारी फोकस अपने ऊपर होती है तो जिस तरीके से हम ये सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम परसीव कर रहे हैं, तो ये एक न्यूट्रल सिचुएशन है, लेकिन हम अपने लिए उसको फिर परसीव ऐसे कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये इसीलिए बैठे हुए हैं कि दे इन द एंड या दरमियान में या साथ साथ एज वी गो अलोंग तो वो मुझ पे कमेंट करेंगे, वो मुझे नोट करेंगे, उनके जो थिंकिंग पैटर्न है दैट बिकम्स डिस्टॉर्टेड, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है दे आर एक्टिवेटेड। तो उसका फिर नतीजा क्या निकलता है, किस किस किस्म के ख्यालात आते हैं, आई एम स्टार्टिंग टू ब्लश, I look completely inept, I sound stupid. ये खुद अपने लिए इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं सिचुएशन को। नेक्स्ट, नहीं मैं वापस जाए वापस सेफ्टी बिहेवियर का भी हमने डिस्कस कर लिया ब्रीफली। सोशल एंजाइटी पेशेंट एडॉप्ट न्यूमरस सेफ्टी बिहेवियर्स इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द परसीव्ड रिस्क ऑफ बीइंग जज्ड नेगेटिवली। उनका ख्याल होता है कि लोग मुझे नेगेटिवली जज करेंगे तो हम वो इस तरीके से फिर उसको मैं मिनिमाइज करूंगा। और सेफ्टी बिहेवियर्स कुड बी रिलेटिवली ऑब्वियस, जैसे अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट या किसी डेस्क का सहारा लिया, या इवन सटल हो सकता है कि व्हेन यू गेट इनटू अ लार्जर ग्रुप, आप कहीं सोशल गैदरिंग में, किसी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, शादी में, कहीं पे भी गए तो यू ओनली टॉक टू सेफ पीपल। से पीपल का मकसद ये है कि या तो आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे लोगों का आना जाना कम है, या कोई एक शख्स किसी कोने में बैठा हुआ है एंड यू गो एंड सिट विद देम, या यू टॉक एंड इंटरेक्ट विद द सेम जेंडर, जहाँ पे आप थोड़ा सा सेफ फील करते हैं। नेक्स्ट, and they believe that without safety behavior they would feel more anxious, their symptoms would be more obvious, or their performance would be worse. Unka khayal hota hai ki jab tak ye safety behavior ko adopt nahi karenge to these things would happen, and they make certain predictions. Wo predictions kya hai, next, if I speak up I'll make myself ridiculous, people will think I'm odd and they would dislike me. To ye unke zehen mein aayega, ye is tarah ke predictions wo karenge, is tarike ki wo assumptions karenge, to zahir hai they would make more and more use of these safety behaviors, and these safety behavior function is an important maintenance factor for social anxiety. Theek, next, perceived social danger, जिस तरह पहले ब्रीफली हमने डिस्कस किया, this is self awareness and safety behaviors are understood as responses to feeling at risk and are reflected in all levels of thoughts, assumptions and beliefs that make social situations seem so threatening. For example, people will notice, people will judge me and they will reject me. उनका ख्याल होता है कि मैं आई विल बी ब्लशिंग, आई विल बी ट्रेमलिंग, और मुझे ड्राई माउथ होगा, तो दे वुड बी नोटिसिंग मी, और वो नोटिस करेंगे, नेगेटिवली जज भी करेंगे कि पता नहीं इसको तो प्रेजेंटेशन आती नहीं है, पता नहीं इसको इस टॉपिक पे कमांड है कि नहीं, और ही इज गोइंग टू कोलैप्स, सो दे वुड रिजेक्ट बाय नॉट अटेंडिंग माय प्रेजेंटेशन, दे वुड लीव वन बाय वन, they would straight away go, या वो मेरी प्रेजेंटेशन सुनेंगे ही नहीं। तो ये जो मॉडल हमने अभी डिस्कस किया, इसका पिक्टोरियल ये एक प्रेजेंटेशन है, अगर आप इसको देखें, इसको अगर आप जूम कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, इसको इफ यू कैन सी इट। हाँ, सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम अपने लिए एक सिचुएशन ऐसी रख दें कि फॉर एग्जांपल आई एम प्रेजेंटिंग, मैं अपने कलीग्स को एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मेरे थॉट्स क्या रहे हैं, आई कीप हाई स्टैंडर्ड्स फॉर सोशल परफॉर्मेंस कि मैं आई शुड बी स्पीकिंग हाई स्टैंडर्ड, आई मस्ट ऑलवेज बी वेरी वेरी फ्लुएंट, और उसका फिर कंडीशनल बिलीफ हमारा अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ परफॉर्मेंस, इफ आई शेक पीपल विल थिंक आई एम स्टूपिड। मैंने स्टैंडर्ड इतना हाई रखा है कि मैं ऐसे बोलूंगा और अगर लोगों को पता चला, लोगों को नजर आया कि मैं आई एम शेकिंग, तो दे'ल थिंक आई एम स्टूपिड। अब आप उसको देखें, ये थॉट इसको जो इसने इंटरप्रेट किया अपने लिए एक बायस तरीके से, which was fueled by the core belief, जो उसके जहन में core belief पहले का बना हुआ है early life experiences का, उसने trigger किया इसको, क्योंकि पहले भी मैं इसी situation में था, लोगों ने मुझे negatively judge किया था या negatively appraise किया था, तो this is going to happen again। तो current threat क्या है, social danger क्या है, this situation is even seen as a socially dangerous situation। अब आप लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं सारे department के PGs और गौर से सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि आप लोग पता नहीं क्या मुझ में आपको नजर आ रहा है कि आई एम ब्लशिंग, या एंड में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, ऐसे कमेंट्स रखे हैं व्हिच वुड बी वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी फॉर एग्जांपल। तो मैं अब ये न्यूट्रल सिचुएशन है, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन मैनी मैनी टाइम्स, और अगर एक दफा कहीं मेरे साथ इस तरह हुआ भी है तो वो तो दैट वाज जस्ट वन ऑफ, लेकिन मैं इस सिचुएशन को भी जो कि अब एक न्यूट्रल सिचुएशन है, मैं इसको अब अपने लिए एक डेंजरस सिचुएशन के तौर पे इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर कर दें इस पिक्चर को, थोड़ा सा बस, थैंक यू वेरी मच। तो दिस कैन डायरेक्टली लीड, अब अगर आप राइट साइड पे देखें एरो को, मैं अगर इस वक्त थ्रेट फील कर रहा हूँ तो आई बी हाइपर विजिलेंट एंड आई बी चेकिंग फॉर एंजाइटी सिम्टम्स, एंड फोकस जो मेरा होगा वो इंटरनलाइज होगा अपने ऊपर। अब मैं बॉडी सिम्टम्स को मैं चेक करूँगा, इस वक्त मुझे पल्पिटेशन हो रही है, इस वक्त मुझे ड्राई माउथ हो रहा है, और इस वक्त मुझे ट्रेमर्स हो रहे हैं, एंड प्रॉबली आई एम ब्लशिंग एज वेल। तो मैं बॉडीली सिम्टम्स को और इसको फिर मैं कॉग्निटिवली इंटरप्रेट भी कर रहा हूँ अपने लिए, तो आई एम मेकिंग माई लाइफ मिजरेबल बाय, अगर आप इसको देखें जो एंजाइटी सिम्टम्स से एरो जाता है सेल्फ फोकस की तरफ, आई स्टार्ट क्लोजली मॉनिटरिंग एंड सेल्फ ऑब्जर्व इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई प्रेजेंटेशन द टास्क इन हैंड। अब अगर मैं सेल्फ फोकस्ड हो गया, मैं आई एम चेकिंग माय ओन हार्ट रेट और चेकिंग माय अदर फिजिकल सिम्टम्स, तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये तो मुझसे रहेगी, एंड आई एम गोइंग माय लाइफ मोर मिजरेबल बाय चेकिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड अडॉप्टिंग सेफ्टी बिहेवियर्स। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड पे आप इस एरो को देखें तो This feeling of threat can lead to hypervigilance and checking for anxiety symptoms, as well as it can directly trigger a safety behavior. अगर मुझे ये feel हो रहा है कि लोग मुझे भी, मैं blush होऊंगा, लोग मुझे note करेंगे, तो straight away I'll adopt safety behavior. Actions are mental behaviors to prevent or minimize a feared catastrophe. ऐसा ना हो कि मुझ में collapse हो जाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुंह इस तरफ करके और मुंह में टैबलेट डाल दी एंड्राल की या अल्प्रोजोलाम की या किसी डेस्क का सहारा लिया मैंने, तो दिस इज सेफ्टी बिहेवियर। और ये सेफ्टी बिहेवियर भी फिर अगेन इट फ्यूल्स माय सेल्फ फोकस। जब तक मैं ये ना करूं तो मुझे ये चीजें होंगी और आई विल मेक फूल ऑफ माय सेल्फ।
ठीक, थोड़ा सा और ऊपर कर दें इसको, इस पिक्चर को थोड़ा सा अगर आप ऊपर कर सकते हैं, आखिरी जो इसका पार्ट है। ये जो नीचे आप एरो देख रहे हैं, सेफ्टी बिहेवियर्स कैन लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इवन ये सेफ्टी बिहेवियर जो हमारा है, दिस कैन लीड टू कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशंस और बाकी एंजाइटी सिम्टम्स। तो आप देख रहे हैं ये मरीज बेचारा एक एक विशेष साइकिल में फंसा हुआ है। जब तक हम इसके लिए कुछ करेंगे नहीं, जब तक हम इसके जो कोर बिलीव्स है, जब तक उसके ये जो डिस्टार्टेड थिंकिंग है, ये जो एरर्स कर रहा है, जो सोशल सिचुएशन को अपने लिए, जो जो रेलेवेंट और न्यूट्रल सिचुएशन को अपने लिए इंटरप्रेट कर रहा है एज ए डेंजरस सिचुएशन, जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, इसको शेक नहीं करेंगे, तो ही विल बी स्टक इन दिस विशियस साइकिल। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, कि हम उसको ट्रीट कैसे करें। ये आई एम श्योर कि इस मॉडल की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, अगर से इसके लिए पूरी वर्कशॉप चाहिए, लेकिन I'm sure के कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा और आप इसको बाद में भी you can read more about it. Next. अब जो हमारे दो parts थे इस presentation के, एक हमारा जो part था कि हम anxiety, social anxiety को समझ लें वो, और थोड़ा सा इस model को समझ लें, तो उसको हमने discuss कर लिया। और बेसिकली इस मॉडल के जो मेन तीन कंपोनेंट्स थे, उसको आई वांटेड टू एम्फेसाइज कि ये हमें समझ आ जाए कि किसी भी सोशल एंजाइटी के, अगर आप कॉग्निटिव टर्म्स में देखें, तो सोशल एंजाइटी के जो मॉडल है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेल्फ फोकस अटेंशन है, और दूसरा जो है वो सेफ्टी बिहेवियर्स है, और तीसरा जो है वो परसीव्ड थ्रेट या डेंजर है। ठीक, अब ट्रीटमेंट क्या है? नहीं, एक मिनट, वापस प्रीवियस स्लाइड पे। ट्रीटमेंट सोशल एंजाइटी के, देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, फार्माकोलॉजिकल भी है, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी है। हमारा फोकस आज जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल पे है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल में CBT is the most commonly used and the most successful treatment for social anxiety disorder. This is evidence based. मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, this is evidence based. CBT is a time limited approach that provides clients with cognitive and behavioral skills to manage, challenge and subsequently reduce their social anxiety. सबसे जो अच्छी बात है CBT में, is time limited. For example, अगर social anxiety का कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, तो इट वुड से फॉर एग्जांपल रिक्वायर 4, 5 or 6 सेशंस, एंड इट वुड बेनिफिट द मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। तो टाइम लिमिटेड है, और इसमें हम स्किल्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को हम स्किल्स देते हैं, सो दैट दे कैन यूज दो स्किल्स इन व्हाटएवर सिचुएशन दे आर, और इवन थेरेपी के बाद भी दे वुड यूज दैट स्किल फॉर देयर लाइफ। जहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके पास एक टूल आ गया, पर्सनल टूल किट है इनके पास, ए काइंड ऑफ, जो कि वो किसी भी वक्त अगर वो स्टक होते हैं तो वो निकालते हैं, एंड दे फिक्स द प्रॉब्लम एंड दे मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, अच्छा बस, अब जिस जो टेक्निक्स हमारे पास CBT के टेक्निक्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं और जिससे हम सोशल एंजाइटी को ट्रीट करते हैं, तो बेसिकली इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जो है वो है साइको एजुकेशन, दूसरा है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, तीसरा है एक्सपोजर जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, और उसके अलावा फिर हैज यू ऑल नो के CBT में
homework assignments are extremely important. तो साइको एजुकेशन से क्या मुराद है? साइको एजुकेशन मीन्स कि हम उनको अपनी बीमारी के मुतालिक उनको बता दें कि बीमारी क्या है. और ये जो मॉडल मैंने अभी आपको बताया, हम एग्जैक्टली इसी तरीके से थोड़ा सा आसान करके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो जार्गन्स हैं, उनको निकाल के तो हम उनके लिए आसान बना के यही मॉडल उनको समझाएंगे. हम उनको जो उनका एक जो रिलेशनशिप है बिटवीन द थॉट्स, इमोशंस और जो उनका फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस है, जो सिम्टम्स है, उनका जो रिलेशनशिप है, हम उनको ये समझाएंगे और उनको बताएंगे कि कौन कौन से थिंकिंग एरर्स कर रहे हैं ये लोग. व्हेन दे गेट इनटू सच सिचुएशन, सोशल सिचुएशंस, तो क्या क्या थिंकिंग एरर्स कर रहे होते हैं. तो ये दिस इज पार्ट ऑफ साइको एजुकेशन. और ये जो थिंकिंग एरर्स हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पे फिर हमने काम भी करना है. हम उनको फिर जब इनसे प्रैक्टिस करवाएंगे, जब हम रिस्ट्रक्चरिंग करवाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग में हम फिर यही करेंगे जो इनके थिंकिंग एरर्स, इनको चैलेंज करेंगे. तो जब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर चैलेंज करना पॉसिबल नहीं होगा. तो हम कोशिश करते हैं कि जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं पहले वो आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद फिर उन पर काम करें. तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जो कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है सोशल एंजाइटी में, वो है ऑल और नथिंग, माइंड रीडिंग एंड ओवर जनरलाइजेशन. नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए. ठीक है, तो ऑल आर नथिंग का मतलब है कि वो समझते हैं कि मैं अगर प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो आई शुड बी द बेस्ट, और अगर थोड़ी भी गलती हो गई, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तो देट वुड मीन दैट आई फेल्ड कम्प्लीटली, कम्प्लीटली फेल हो गया. तो ये ऑल आर नथिंग है. माइंड रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल, वो प्रेजेंटेशन कर रहा है, वो देख रहा है कि बाकी लोग तो ठीक है वो, लेकिन एक जो कैंडिडेट है या जो एक पार्टिसिपेंट है वो कुछ नोट करते, मुझे देख रहा है और कुछ नोट कर रहा है. शायद वो मुझे मेरे सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स को नोट कर रहा है, या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो शायद वो समझ रहा है कि दिस प्रेजेंटेशन इज़ ए क्रैप प्रेजेंटेशन. तो ये एक तरीके से माइंड रीड का, अब उसको क्या पता क्या एविडेंस क्या है, लेकिन ये एज्यूम कर रहा है, ही इज एज्यूमिंग. तो दिस इज माइंड रीडिंग. अब उसने कुछ बताया नहीं, उसके बारे में कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात से कि वो उसको देख नहीं रहा, या उसको आई कॉन्टेक्ट अवॉइड कर रहा है, या वो कुछ नोट कर रहा है, तो हो सकता है वो उसके जो जो प्रेजेंटेशन है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहा हूँ, लेकिन ये समझ रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है इस तरीके से कि शायद अब ये कोई कमेंट लिख रहा है मेरे बारे में. और इसी तरीके से ओवर जनरलाइजिंग, कहीं पे भी अगर कहीं मामूली सी गलती कहीं पे एक दफ़ा हुई है, हालांकि 100 दफ़ा इसने प्रेजेंटेशन की होंगी, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अब ये उसको नहीं मैं आई एम गोइंग टू फेल अगेन, लास्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हुआ था और दिस वुड बी अनदर कैटास्ट्रोफी. तो ये तीन बेसिकली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन थिंकिंग एरर्स भी इनको कहते हैं कि दिस पेशेंट्स यूजुअली मेक. ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड. अब इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हमने रीस्ट्रक्चर करना है. हमें पता है कि ये थिंकिंग एरर्स है, ये नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न नहीं है, और ये पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को हमने समझाना है कि ये जो कर रहे हैं ये दिस इज नॉट द यूजुअल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है बेस्ड ऑन देयर कोर बिलीव्स. जो स्कीमस बने हैं शुरू से लोगों के बारे में, ये उन पे बेस्ड है,
और हो सकता है इनके बारे में इतना ज्यादा स्ट्रांग एविडेंस ना हो, तो हमने उसकी वैलिडिटी चेक करनी है इस थॉट की। अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल ऑलवेज अप्रेज मी क्रिटिकली एंड जज मी नेगेटिवली, ठीक है, ये उसका ख्याल है, ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब ये नहीं कि उसका हर ख्याल गलत है, हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन हम उसको ऐसे इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, हम उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। ऐसे मरीजों का मसला ये होता है कि उनका जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि बिकॉज आई बिलीव इट सो इट मस्ट बी ट्रू, मेरा ख्याल है कि बस ये ठीक है तो ये ठीक है। वो इमोशनल रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग नहीं करते। नहीं नहीं, मेरा दिल कहता कि ऐसे है, लोगों ने मुझे बड़ा आज जो है दिल में बुरा भला कहा होगा। अब क्या एविडेंस है, हमने उसको देखना है कि वाकई लोगों ने आपको कुछ कहा है, नेगेटिवली कुछ कहा है। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हमने वही जो डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, वही जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, जो थिंकिंग एरर्स वो कर रहा है, हमने उनको रीस्ट्रक्चर कर रहा है। बिकॉज दीज पेशेंट्स हैव इनकरेक्ट बिलीव्स अबाउट द डेंजर्स दैट सोशल सिचुएशन पोज, they have flawed predictions about outcomes of the situation and they have biased processing while in social situation. Inki jo information processing hai, jo process hai, wo biased hai. Wo us tarike se nahi hai jo jis tarike se ye bimari se pehle karte the ya jis tarike se baki log karte hain. To ye bhi a part of psychoeducation hai. Kya humne unko ye samjhana hai ki jo aap kis waqt jo aapki thinking hai, ये थिंकिंग जो है ये नॉर्मल पैटर्न ऑफ थिंकिंग नहीं है, और फिर हमने इसको किस तरीके से ठीक करना है। तो ये एक तो ये जो साइको एजुकेशन है, दूसरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है कि जिस पे हमने ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो करनी है, वो और उसको कहते हैं थॉट्स रिकॉर्ड शीट। ये थॉट्स रिकॉर्ड शीट जो है सीबीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्रेशन में भी यही थॉट रिकॉर्ड शीट है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी यही थॉट रिकॉर्ड शीट है, बाकी जितने डिसऑर्डर्स हैं एंजाइटी रिलेटेड या मूड रिलेटेड, तो सब में ये थॉट रिकॉर्ड शीट, अगरचे हर डिसऑर्डर के लिए फिर उसका जो कंटेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली इसी थॉट रिकॉर्ड शीट पे हमने करनी। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम आपको दिखाएंगे, एंड आई एनकरेज यू के इसकी या तो पिक्चर बना ले, बल्कि आप उसको साइकोलॉजी टूल्स एक जो वेबसाइट है, या इस पिक्चर के एंड में आप देख रहे हैं एक और वेबसाइट भी है, तो आप इस पे जाके तो यू कैन डाउनलोड। और इसी तरीके के आपको जो ये थॉट रिकॉर्ड शीट है, ये सोशल एंजाइटी का है, आपको डिप्रेशन का भी मिलेगा, आपको पैनिक का भी मिलेगा, आपको PTSD का भी मिलेगा। तो थोड़ा सा फिर उसके जो कॉलम्स है और जो कंटेंट है वो थोड़ा सा फिर डिफरेंट है, लेकिन बेसिक फॉर्मेट सबका यही एक ही है। तो इसी पे हम फिर उसको कहते हैं कि अगर आपकी ये सोच है कि मैं अगर इस सिचुएशन में जाऊंगा तो आई एम्बैरस माई सेल्फ, या लोग मुझे क्रिटिकली एवेलुएट करेंगे, नेगेटिवली जज करेंगे, तो हम उसको वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय पुटिंग एन एग्जांपल, ठीक है। अगर इसके साथ कोई ऐसा वाक्य पहले हुआ है कि जिसके बेस पे उसने ऐसा एज्यूम किया है, तो वी वुड इनकरेज हिम कि वो सिचुएशन, ये जो कॉलम लेफ्ट पे आप एक्सट्रीम पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सिचुएशन लिख दे, व्हाट हैपेंड, वेयर, व्हाट एंड हु विद हाउ, क्या हुआ, प्रेजेंटेशन थी या किसी सोशल सिचुएशन में गया, कौन कौन मौजूद थे वगैरह वगैरह, तो वो लिखते हैं। नेक्स्ट कॉल में फिर अपने फीलिंग्स लिखते हैं, इमोशंस, उस वक्त आपके क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त कि आई वाज वेरी वेरी एंशियस, आई वाज फियरफुल वगैरह इस तरीके के। तो एंड रेट, अगर आप एंशियस थे या आप फियरफुल थे तो कितना परसेंट, 50%, 60%, इससे कम या इससे ज़्यादा, तो वो लिख दें। और साथ साथ में
फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से थे उस वक्त, वो फिजिकल सिम्टम्स भी लिख दें। उस वक्त मुझे ट्रेमर्स हो रहे थे, उस वक्त मुझे पल्पिटेशन हो रही थी, उस वक्त मुझे ड्राई माउथ था, उस वक्त मुझे हेडेक हो रही थी, उस वक्त वगैरह जो जो भी सिम्टम्स हैं तो वो सारे लिख दें। उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि उस वक्त आपके जहन में क्या सोचें आ रही थी। एक्सक्यूज मी, तो क्या सोचें आ रही थी उस वक्त। हम इस वक्त कोशिश क्या कर रहे हैं कि वो जो उसकी जो डिस्टार्टेड थिंकिंग है, जो थिंकिंग एरर्स की हमने बात की, तो हम वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ऑटोमेटिक थॉट्स भी कहते हैं। अफरीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? I can't hear. खुला हुआ नहीं है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, ठीक है, ओके, आई एम नॉट इंप्रेस्ड। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक थॉट्स भी इसको कहते हैं। What was going through your mind at that time? And what disturbed you? उस वक्त क्या हो रहा था और आपके जहन में क्या चल रहा था और आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे? What is the worst that could happen? जी, उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि मैं तो बस शेक कर रहा हूँ और मैं तो ब्लश हो रहा हूँ, मैं तो, मुझसे तो प्रेजेंटेशन नहीं होगी, and I'll collapse on the stage and I'll embarrass myself. लोग आएंगे, emergency 112 को बुलाएंगे और मुझे एम्बुलेंस में डालेंगे और हॉस्पिटल लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। तो दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। ठीक, तो ये उसका ऑटोमेटिक थॉट थी उस वक्त। फिर हम उसका फोकस का पूछते हैं कि सेल्फ फोकस, क्या आपका उस वक्त फोकस क्या था? जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो वो आपको फिर बताता है कि मैं I was constantly checking my heart rate or my pulse, so मैं देख रहा था इधर उधर कि मैं blush हो रहा हूँ। तो ये उसका जो self focus है, और उसके साथ साथ आपके safety behaviors क्या क्या कर रहे थे उस वक्त to minimize this, आप जो बता रहे हैं कि आप anxious थे या tremulous थे, तो क्या क्या safety behaviors आपने उस वक्त adopt किए। तो यहाँ तक वो one by one ये जो कॉलम्स है ये फिल करता जा रहा है। अब इसके जो नेक्स्ट कॉलम है, बैलेंस्ड मोर रैशनल रिस्पॉन्स टू थॉट्स एंड सेल्फ फोकस। अब इसको हम एनकरेज करते हैं ऐसे क्लाइंट्स को कि ये तो आपका टिपिकल जो रिस्पॉन्स था, ये जो आपका ऑटोमेटिक थॉट थी और इसके साथ रिलेटेड जो आपका सेल्फ फोकस था और सेफ्टी बिहेवियर था, वो तो आपने कर लिया, ठीक है। अब आपके ख्याल में, और उस वक्त तो आप बहुत ज्यादा एंशियस भी फील कर रहे थे, हालांकि आपने सेफ्टी बिहेवियर भी अडॉप्ट किया, लेकिन इवन दैट डिडंट हेल्प एंड दैट्स द रीजन यू आर सो एंशियस। आपका एंजाइटी लेवल और आपका फियर जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई था। तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि अब एविडेंस क्या है कि लोग, जैसे ये सेल्फ फोकस के लोग मुझे नोट कर रहे हैं, अब एविडेंस क्या है कि लोग आपको नोट कर रहे थे? एविडेंस क्या है कि अगर आप ये सेफ्टी बिहेवियर ना करते तो आप, यू वुड हैव बीन इन मोर ट्रबल। तो हम उनको इनकरेज करते हैं टू कम अप विद अल्टरनेटिव्स। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कोई एक पार्टिसिपेंट जो है इस प्रेजेंटेशन का, वो कुछ नोट कर रहा था और मैंने इसका एविडेंस में ये लिख दिया कि नहीं, पीपल वर जजिंग मी नेगेटिवली, क्योंकि वो एक कैंडिडेट जो था वो कुछ नोट कर रहा था, एक कैंडिडेट चला गया, एक ने मेरे साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं। तो हम उसका जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बिगर पिक्चर को देखते हैं, व्हाट इज द बिगर पिक्चर। या अगर ये प्रेजेंटेशन आपका दोस्त कर रहा होता और वो आपको बताता है कि एक कैंडिडेट कुछ नोट कर रहा था, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? तो हम आप कोशिश कर रहे हैं कि जो उसकी जो जो थिंकिंग एरर्स कर रहा है, जो बायस और स्क्यूड उसका जो टनल विजन है, हम उसको ओपन अप कर रहे हैं।
तो फिर वो सोचता है, फिर ये पहले तो वो कहेगा कि नहीं, वो भी यही करता, मैं उसको भी यही कहता, लेकिन जब आप उसको इनकरेज करेंगे कि नहीं ट्राई टू चैलेंज दिस, एक तो ये व्यू पॉइंट आपका आ गया, हो सकता है ये ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव हाँ जी ये भी तो हो सकता है कि मैं कोई अच्छी बात कर रहा था या कोई प्रेजेंटेशन में कोई ऐसी बात थी कि जो उसने ही फाउंड इट यूजफुल और उसने नोट कर दी, तो मैं अपने दोस्त को भी ये कहूँगा कि नहीं ये तो अच्छी बात है आपके लिए कि अगर किसी ने कोई बात नोट की है तो इसका मतलब है कि उसको वो बात अच्छी लगी है, या जो शख्स छोड़ के चला गया प्रेजेंटेशन, ये एक तो मेरे जहन में ये बात थी कि नहीं वो तो बिकॉज ही डिडंट लाइक माई प्रेजेंटेशन तो वो चला गया, लेकिन अब हो सकता है उसका कोई इमरजेंसी कोई फोन कॉल आया हो या उसकी इमरजेंसी ड्यूटी हो, हम ये खुद से ये बात जहन में याद रखें, हम ये खुद से नहीं सजेस्ट करेंगे क्लाइंट्स को, लेट देम कम अप विद दीज अल्टरनेटिव्स, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे एज ए थेरेपिस्ट, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे टू कम अप विद दीज अल्टरनेटिव्स, और ये एक अच्छा अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आप अगर आप समझते हैं कि ये अब अल्टरनेटिव का अब उसके जहन में बहुत कम आ रहा है, बहुत फिक्सेटेड है अपने बारे में, तो यू ट्राई टू व्यू इट फ्रॉम एज एन एक्सटर्नल सोर्स, कि नहीं आप नहीं कर रहे, आपका दोस्त ये प्रेजेंटेशन कर रहा है और वो ये बता रहे हैं आपको, आप उसको क्या सजेशन देंगे, तो मोस्ट सम पीपल इवन फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, अपने बारे में तो वो नहीं कहते नहीं, मेरे साथ वैसे होता है, लेकिन जब दोस्त की बात आती है हाँ मैं तो उसको कहूंगा कि यार हो सकता है उसकी इमरजेंसी हो, वो चला गया हो सकता है इसको प्रेजेंटेशन में कोई बात अच्छी लगी उसलिए तो उसने नोट की है, तो यही एक पॉइंट होता है थेरेपिस्ट के लिए नोट करने के लिए कि हाँ जी यही आप बात अगर आप अपने दोस्त को बता रहे तो यही बात खुद को क्यों नहीं बता रहे, वाई डबल स्टैंडर्ड्स, मसला इन पेशेंट्स का ये होता है कि क्योंकि उनके कोर बिलीव्स ऐसे बने हुए होते हैं, स्कीमाज ऐसे बने हुए होते हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो बायस्ड होती है अपने बारे में, तो इस तरीके से हम उनको खोलते हैं, जब आप अपने बारे में तो आपका ये ख्याल है लेकिन यही सिचुएशन है एग्जैक्टली, आपका दोस्त कर रहा है कोई और कर, कोई कलीग कर रहा है लेकिन उसको आप मशवरा पर यह दे रहे हैं, तो वाई वी शुड बी हैविंग डबल स्टैंडर्ड, तो बड़े आराम आराम से ये एक दफा ये प्रैक्टिस से नहीं होगा, एक दफा हम पेशेंट्स के साथ ड्यूरिंग सेशन करवाते हैं, फिर उनको होमवर्क देते हैं और इनकरेज करते हैं कि जब तक थेरेपी जारी है वो हर हफ्ते एक या दो सिचुएशंस को लेके तो उसमें डालते जाए, और इसी तरीके से क्रिटिकली अपनी जो थिंकिंग एरर्स है उनको चैलेंज करें, डोंट जस्ट स्ट्रेट अवे बिलीव इन इट कि नहीं नहीं मुझे फील हो रहा है तो ऐसे ही है, नहीं ऐसे नहीं है, हमने उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, वैलिडिटी चेक करना है, अगर वाकई में आपने इसी तरीके से देखा और फिर भी आपका ख्याल है कि नहीं आपकी 100 में से 80 प्रेजेंटेशन खराब हुई है क्रैप हुई है, तो फिर वाकई में ये तो फिर एक रियलिटी है, फिर उसके अलग स्ट्रेटजीज है कि हाँ हाउ टू हेल्प दैट पर्सन, लेकिन आप देखेंगे कि जो सोशल एंजाइटी वाले मरीज हैं उनमें मेजॉरिटी में वाकई में प्रॉब्लम इतना नहीं होता, प्रॉब्लम इज मोर विद देयर कॉग्निशन विद देयर थिंकिंग, और वो इसी तरीके से उसकी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, और उसके आगे जो कॉलम है फिर आउटकम क्या है, व्हाट आई डिड, हाउ दैट हेल्प और री रेट इमोशंस, वट कुड आई डू डिफरेंटली, ये अभी जो हमने इस थॉट को एनालाइज किया विद अल्टरनेटिव्स, एक एक्सप्लेनेशन जो उसकी अपनी थी ओरिजिनल, उसके बाद फिर हमने उसके अल्टरनेटिव्स भी डिस्कस कर ली कि और क्या हो सकता है, तो अब क्या आउटकम क्या है, वट कुड आई हैव डन डिफरेंटली, कहाँ पे मेरा फोकस हो, फोकस का हमने उनको समझा दिया है, तो आउटर फोकस लोकस ऑफ अटेंशन एक्सटर्नलाइज करें उसको, व्हाट वर्क्स एक्ट वाइजली, व्हाट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर मी, आ बेस्ट फॉर द सिचुएशन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है यहाँ पे मैं
वो आपको बताएगा कि हाँ वाकई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वहां पे अगर आप देखें कि जो उसकी जो ओरिजिनल इमोशंस थी, अगर वो पहले 100% में से 60% 70% वो एंशियस था, और उसकी जो अनहेल्पफुल थॉट्स थी, ऑटोमेटिक थॉट्स, उसको भी वो रीड करेंगे कि लोग पीपल वुड जज मी, तो पीपल वुड जज मी, अब यहाँ दोबारा इमोशंस को और थॉट्स को री रेड करें तो आप देखेंगे देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। हाँ नहीं थी, लोगों ने थोड़ा सा मुझे नोट तो किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेरे बारे में क्रिटिकल थे। तो अगर किसी का ये ख्याल हो 100% कि वो क्रिटिकल थे, उनकी क्या इमोशंस होंगी, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, और अगर कोई 50-50 का नहीं, हो सकता है कि उन्होंने नोट किया, हो सकता है वो क्रिटिकल हो, लेकिन जरूरी नहीं, तो आप देखेंगे कि इमोशन में भी फर्क आएगा। अगर पहले वो 60% थी तो आप देखेंगे कि आप 50% 40% या हो सकता है उससे भी कम, और जितना ज्यादा इस ये थॉट रिकॉर्ड शीट को प्रैक्टिस करेंगे, सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे, अपने थॉट्स को चैलेंज करेंगे, इतना ये जो उनका बिलीफ है ये वीकन होता जाएगा, और उतनी जो इनकी एंजाइटी है वो कम होती जाएगी, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ हम एक और टेक्निक करेंगे। कुछ लोग जो है वो इस यहाँ पर तक तो ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियलिटी कि हाँ जी वो अगर किसी का आपने शेक करने की कोशिश की, वो फिर भी फिक्सेटेड है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, लोग मुझे जज करेंगे, आप तो अल्टरनेटिव्स का बता रहे हैं लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा है ऐसा है, तो व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, डू अ रियलिटी चेक, व्हाई डोंट वी पुट इट इनटू प्रैक्टिस, जो हमने बातें की है अब हम जाके इसको एक रियलिटी चेक करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। और ये जहन में याद रखें, ऐसा एक्सपेरिमेंट करें पेशेंट के साथ विद कंसेंसस, दोनों के एग्रीमेंट से, कि जहां पे आप समझते हो कि द चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई, और फॉर दैट ऑलवेज स्टार्ट विद लेस डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। उनको अगर कोई प्रेजेंटेशन एंजाइटी है तो उनको ऐसे ना करें कि 100 लोगों को प्रेजेंटेशन करें, हम उनके साथ डिस्कस करके, तो व्हाई डोंट वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट के हम जाके 5-6 लोग अपने कलीग्स जो है जिनके साथ मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ उनके साथ एक मैं इनको एक प्रेजेंटेशन दे दूँ। तो ऑलवेज गो स्लोली, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको एक शीट बताता हूँ, ये इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट स्किप कर दें, इसको स्किप कर दें। हाँ जी, ये इसके ये ब्लैंक है और एक मैंने फील्ड लिखा हुआ है, एक हम एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं आप, बिहेवियर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वाला दिखा दें, नेक्स्ट वाला दिखा दें, और जूम, नहीं नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट अगले वाला। हाँ जी ये, नहीं नहीं वापस जाए एक स्लाइड, ये वाला। हाँ जी, प्रिडिक्शन, इसको थोड़ा सा जूम कर दें। अब हमने उनके साथ एक बिहेवियर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया क्लाइंट्स के साथ, कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आपकी प्रिडिक्शन क्या है, वो प्रिडिक्ट करेगा बेस्ड ऑन हिज कॉग्निशन, जो उसका स्कीमा है, कोर बिलीव्स है, व्हाट इज योर प्रिडिक्शन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल हैपन, एंड हाउ वुड यू नो इफ इट केम ट्रू। तो वो क्या कह रहे हैं, उसने लिखा है, इफ आई स्पीक इन पब्लिक आई विल शेक सो मच दैट पीपल विल नोटिस एंड लाफ एट मी, रेट हाउ स्ट्रांगली यू बिलीव दिस विल हैपन, 90%। ठीक है, अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हाट एक्सपेरिमेंट कुड टेस्ट दिस प्रिडिक्शन, वेयर एंड व्हेन, व्हाट सेफ्टी बिहेवियर विल नीड टू बी ड्रॉप्ड, हाउ वुड यू नो योर प्रिडिक्शन हैड कम ट्रू, नहीं। नेक्स्ट, हाँ ये जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है उसको, इस पर आप फोकस करें ना, जल्दी जल्दी ना चेंज करें स्लाइड। हाँ ये वाला, ये जो एक्सपेरिमेंट का पोर्शन है, सेकंड जो का उसका वो है बॉक्स है, सेकंड बॉक्स, तो ये आप उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इस जो थॉट है हमारी कि इफ आई स्पीक इन पब्लिक आई विल शेक,
एंड पीपल विल नोटिस एंड लाफ एट मी. तो हम इसको टेस्ट कर रहे हैं. तो ये मरीज आपको कह रहा है, आप उसके साथ डिस्कस करें कि हम क्या कर सकते हैं. तो वो स्पीक अप एट द नेक्स्ट मीटिंग ऑन मंडे. हमारी मीटिंग है मंडे को. आई कुड प्रेजेंट सम ऑफ द डेटा दैट आई हैव बीन मीनिंग टू शो. वुड नीड टू जेस्चर विद माय हैंड्स एंड नॉट होल्ड ऑन टू द टेबल. आई कुड आस्क माय फ्रेंड इफ दे नोटिस्ड मी शेकिंग व्हाइल आई व्हेन आई टॉक. तो ये एक्सपेरिमेंट है कि मैं नेक्स्ट मंडे को प्रेजेंटेशन करूंगा. और सेफ्टी बिहेवियर मेरा ये यूजुअल ये होता है कि मैं टेबल को पकड़ता हूं तो मैं ये सेफ्टी बिहेवियर जो है ये ड्रॉप करूंगा, ये नहीं करूंगा. और अपने किसी दोस्त को कहूंगा कि वो नोट करे कि मैं अगर मुझे शेकिंग होती है तो वो मुझे नोट करे और फिर मुझे बाद में वो फीडबैक दे दे. आउटकम ये ऊपर कर दे थोड़ा सा, ये नीचे नेक्स्ट बॉक्स जो है. व्हाट हैपेंड, वाज योर प्रेडिक्शन एक्यूरेट. जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि मैं आई विल शेक एंड पीपल वुड लाफ एट मी, तो प्रेडिक्शन अब आउटकम क्या था, वो एक्सपेरिमेंट हो गया है, उसने कर लिया है एक्चुअली. वो प्रेजेंटेशन उसने अपने फ्रेंड्स को या कलीग्स को कर दी है. आई वॉज रियली नर्वस एंड वॉज वेरी अवेयर ऑफ माई हैंड्स. ये बता रहे हैं आपको एक्चुअली हुआ क्या. My friend said I spoke well and that they could not see me shake. So see, अब ये reality testing हम कर रहे हैं. Next column, next box दिखा दें. अब उससे मेरी learning क्या हुई है. What did I learn? How likely is that your prediction will happen in the future? तो उसने क्या लिखा है. Although I feel nervous when speaking, it's not as obvious to other people. वो फिर भी कह रहा है कि मैं नर्वस तो था लेकिन जो मेरा ख्याल था कि वो लोगों को नजर आएगा तो it wasn't the case. और usually यही जो लोगों को नजर आएगा, लोग जज करेंगे मुझे, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, this is killing the patient. अब वो component आप देख रहे हैं इस एक experiment से. पहले आपने restructuring की, फिर आपने ये experiment किया और उसका इतना फर्क हुआ के अब देखें. री रेट हाउ स्ट्रांगली यू एग्री विद योर ओरिजिनल प्रेडिक्शन नाउ. वो जो 90% थी दे ड्रॉप टू 50%. एंड बिलीव मी दिस इज द ब्यूटी ऑफ सीबीटी. विद एवरी सेशन यू सी अ चेंज. ये जो मैंने आपको टूल्स बताए रिस्ट्रक्चरिंग के और ये जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट का है, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल टूल्स इन योर हैंड्स. अगर आप तरीके से इनको अप्लाई करेंगे तो यू वुड सी कि दीज रियली प्रोड्यूस रिजल्ट्स. और इसी तरीके से फिर आप इनको आहिस्ता आहिस्ता आप और प्रेजेंटेशन करवाएंगे ग्रेजुअली व्हाइल दे आर स्टिल इन थेरेपी. और इवन थेरेपी के बाद जब आप समझते हैं कि अब उनका जो ओरिजिनल जो स्कीमा था कि मैं मुझसे कोई प्रेजेंटेशन से नहीं होगी, मैं किसी सोशल सिचुएशन में नहीं जा सकूंगा या मैं किसी के साथ कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बना सकूंगा, अब उसको आहिस्ते आहिस्ते शेक करते जा रहे हैं और उसकी जो डिस्टार्टेड थिंकिंग है वो रिशेप हो रही है, वो रिस्ट्रक्चर हो रही है. और आप इनको आहिस्ता आहिस्ता फिर यू मूव ऑन टू वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. ठीक. तो दिस इज हाउ सीबीटी कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल. लेकिन एक बात याद रखें कि मरीज जो है जो आप सेलेक्ट करते हैं सीबीटी के लिए, उनकी सूटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि वो विलिंग हो टू चेंज देयर सिचुएशंस. क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी फॉर चेंज इज नॉट विद द थेरेपिस्ट. वो जो रिस्पांसिबिलिटी है वो इट इज विद द क्लाइंट. वो अगर चेंज करना चाहे तभी वो विलिंग होंगे टू चैलेंज देयर ओरिजिनल थॉट्स, टू चैलेंज देयर ऑटोमेटिक थॉट्स और उस पर काम करें और होमवर्क करें और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करें. अदरवाइज अगर आप कोई एंशियस पर्सनालिटी या इस तरह के पेशेंट्स लेंगे तो इवन दे कैन बेनिफिट, लेकिन उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनके फिर और स्ट्रेटजीज है विच आर मोर हेल्पफुल. लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ योर पेशेंट, मोर देन 90% ऑफ योर सोशल एंजाइटी एंड सोशल फोबिया पेशेंट्स, दीज टू टेक्निक्स कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और ये जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स हैं, these are very very powerful techniques and these are very very helpful, very very beneficial. And that's the CBT, as I said earlier, is evidence based and most commonly used in social anxiety disorder and very very effective. aur yahi jo aapko techniques maine bataye hain, there are other techniques as well, lekin ye do bhi agar aapko yaad ho
इन पे फोकस करें कि हमने किस तरीके से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, किस तरीके से हमने उनका जो स्कीमा है और ऑटोमेटिक थॉट्स है उनको रिशेप करना है, उनको रिस्ट्रक्चर करना है थ्रू दिस डेली थॉट रिकॉर्ड शीट जो DTRS है और जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स है. सो हियर आई स्टॉप एंड आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे पास तो आई डू हैव सम टाइम, लेकिन इफ योर टाइम अलाउज तो आई कैन आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर बशीर अहमद फॉर सच अ नाइस एंड वंडरफुल प्रेजेंटेशन. हियर आई आल्सो वांट टू वेलकम द सीनियर साइकियाट्रिस्ट ब्रिगेडियर शुएब विद हिज टीम रुबीना कदवाई एंड मियां मुख्तार उल हक. So, Professor Dr. Mohammad Iqbal Afridi, Dean, Faculty of Psychiatry, TPSP, and President, Pakistan Psychiatric Society, is with us. So, please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Professor Bashir, for such a important, choosing such an important topic and giving us very practical steps to overcome social anxiety. I think the audience who are very, most of them are under training, they should know that the difference between shyness and social anxiety. This is in terms of the, if the intensity, and if the intensity is high, the avoiding behavior is high, or the performance is poor, then it comes under the domain of the social anxiety disorders. And I'm very thankful to all of you. If there is any question, otherwise, or let me also tell you that Dr. Aisha Sarwat has and her team in Dow University is also with us on this forum. So anyone who want to give some comment or give some, ask some question, the forum is open. Thank you. We are having few questions. Professor Bashir, we are having a question from Mahrukh. Our question is that, is there any difference between CBT Clark model and Moskowitz model? CBT Clark model and which model? Moskowitz. M-O-S. One thing, okay. So I'm not aware of which model you are talking about, lekin there are more than 20 different models available to handle with social anxiety disorders. आज मैंने डेविड क्लार्क का मॉडल इसलिए चूज़ किया क्योंकि आई फाउंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल. और जैसे मैंने शुरू में बताया भी कि वो हमारे टीचर भी थे जब मैं किंग्स कॉलेज में पढ़ रहा था, CBT सीख रहा था, तो उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे. तो उनके मैंने खुद ये प्रेजेंटेशन अटेंड की है एंड आई फाउंड इट हेल्पफुल. लेकिन अगर आपको कोई और मॉडल पसंद है और आप उसके साथ कम्फर्टेबल है, provided that is done within the framework of CBT, so no problem. You can choose any model. Go with any model. Paul Salkowski ka ek model hai, wo bhi bahut acha hai. Aur bahut sare model aur bhi hai. Lekin ye maine aapke liye this was just one model. I would have just a comment. Ye Moskowitz ka jo model hai aur is tarah se jaise sir bata rahe hain, Professor Bashir sahab, there are like many models. I mean, he's an expert. ये मस्कोविच मॉडल जैसे वो उससे थोड़ी सी मेरी नजर से गुजरा है, इट्स ओवरलैप्ड विद द क्लार्क डेविड क्लार्क मॉडल. इसमें जैसे वो नेगेटिव एलिवेशन का बता रहे हैं तो उसमें वो अपने फिजिकल अपीयरेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, तो आई मीन मोर और लेस इट्स लाइक ऑल ओवरलैपिंग जैसे प्रोफेसर बशीर साहब बता रहे हैं. बट आई मीन दिस आई मीन द बेस इज ऑल द एक्सटेंशन ऑफ द CBT मॉडल. अगर CBT के फ्रेमवर्क में है तो यस व्हाई नॉट. लेकिन CBT के अलावा भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं कि पीपल हैव ट्राइड इन सोशल एंजाइटी. लेकिन जो CBT का है, क्योंकि हमारा फील्ड जो है वो मेनली CBT है, तो आई प्रमोट CBT अप्रोचेस. माइक सर का, आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर दें, ऑन कर दें.
शुएब साहब बहुत अरसे से मुझे इनवाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वो मेरे ख्याल में कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है. अदरवाइज आई वाज प्लानिंग टू विजिट कराची एंड हैव सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशन देयर. चलिए शुएब साहब. इमरान साहब आप कुछ कहना है, कुछ आपका डॉक्टर इमरान रुबीना कदवाही साहब नहीं तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर देंगे. ओके ओके. टाइम की लिमिटेशन की वजह से जो है हम तो चाह रहे थे कि जहां जहां आप लोग बैठे हुए हैं अपने अपने एरिया में एक एक बंदे से जो है अच्छा होगा कि उसको एक्सपोजर हो कि कैसे गुफ्तगू की जाती है और घबराहट और कम कैसे किया जाए माइक पे. तो अभी हम इस मरले पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टिफिकेट देना चाहेंगे. प्रोफेसर बशीर साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस मौके पे जो है अपना कीमती वक्त निकाला. हालांकि मुझे पता था कि यू हैव अ बिजी स्केड्यूल. तो हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत है कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट देते हैं. तो ये हमारी तरफ से और तालियां भी होनी चाहिए भैया. Thank you so much. It was a real pleasure, and I'm really thankful, Professor Iqbal Afridi and my other colleagues, Brigadier Shoaib, Dr. Mukhtar, or Sundas, or baki jitne log hain. Is course ko hamare jo CBT ke trainees hain, unhone bhi attend kiya, and I'm really thankful to all of you. Thank you very much. Thank you all the participants, Dr. Rubina, Dr. Aisha, Dr. Imran, Dr. Mukhtar, Brigadier Shoaib, and all the participants, especially our young psychiatrists, jo hamare postgraduate hain. Thank you very much.